नेक्स्ट देखें, व्हेन द नंबर एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड ऑफ एक्सेल ट्यूब आर इंक्रीज। नंबर जो होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे के, ठीक है। और जो उनकी स्पीड है बच्चे वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, वो एनर्जी ऑफ एक्सरे के आएगी, यानी एनर्जी किसके आएगी, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखें जवाब क्या, द इंटेंसिटी ऑफ मीटेड एक्सरे इंक्रीज वाइल द कट ऑफ वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड। अच्छा कट ऑफ वेवलेंथ क्यों डिक्रीज की है, स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बट लैम्डा क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो नंबर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है, नंबर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के, और स्पीड इनवर्स आ जाएगी किसके, आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मीटेड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज लैम्डा नॉट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी पढ़ा है कि लैम्डा मिनिमम जो है वो इनवर्स है किसके, वी के। बेटे अगर आपने क्या किया, इसे डबल किया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा बीटा, ओके। एक्सरेज आर स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स होती हैं जी एक्सरेज, ठीक है, फोटोन्स होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। द एनोड हैज टू प्राइमरी फंक्शन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इनटू एक्सरे एंड टू डिसिपेट द हीट क्रिएटेड इन द प्रोसेस। यही वजह है कि मैंने कहा था कि एनोड जो है इसका जेड लार्ज होना चाहिए और हाई इसका क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर देखें क्या आएगा, अल्फा। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे इज गिवन बाय, अभी हमने पढ़ा था फार्मूला जी, वन जो एच एफ मैक्सिमम है वो इक्वल है किसके, वी के। एच सी मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वी ई, यहाँ से वन ओवर लैम्डा मिनिमम की बात करेंगे तो वी ई ओवर क्या आएगा, एच सी, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है। सो आंसर आपके पास क्या आ गया जी, बीटा आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट देखें, डार्कनिंग ऑफ फिल्म, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, यूज ऑफ एक्सरे इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर। जो आपकी एक्सरे फिल्म होती है ना, यहाँ एक्सरे फिल्म रखी है, ऊपर से आप एक्सरे डालेंगे तो वो डार्क हो जाती है, जितनी ज़्यादा डार्क होगी उतना एक्सपोजर रेडिएशन का उनके ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल ये बुक लाइन है लेकिन आप सिलेबस में नहीं है, यूज़ ऑफ एक्सरे, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल वी नॉट वोल्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखें जी आपके पास जो अगर हम बात करते हैं बच्चों के मैक्सिमम एनर्जी की, तो के ई जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है उसकी होती है वी, ये आएगा हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ई, ठीक है। यहाँ से अगर हम वी मैक्सिमम का स्क्वायर निकालें तो ये वी ई ओवर एम, एंड यू नो वी ई किसके इक्वल होता है, एच एफ मैक्सिमम के ओवर क्या आएगा, एम, ये आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। चले नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेल इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज के मैक्सिमम व्हेन एक्सरेज आर यूज्ड। देखें आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल था जब अल्ट्रावायलेट लाइट यूज की तो कितना था, वी नॉट था, और ये कितनी थी, के मैक्सिमम थी। अब आपने एक्सरेज कर दी, यू नो एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी जो है एफ एक्सरेज ग्रेटर देन है किससे, एफ अल्ट्रावायलेट, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो ये भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनर्जी डिपेंड करते हैं। सो वी नॉट भी इंक्रीज हो जाएगा और के मैक्स भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आंसर के अकॉर्डिंग देखें वी नॉट एंड के मैक्सिमम बोथ इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्राइक अ मेटल टारगेट इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज द स्पीड ऑफ एमिटेड एक्सरेज। एमिटेड एक्सरेज फोटोन होती हैं, फोटोन की स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, ठीक है जी, बीटा ऑप्शन आ गई, ओके। नेक्स्ट देखें जी, एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन एन एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक वेट इज बम्बार्डेड बाय अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो पढ़ा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोइलेक्ट्रॉन इज 1.5 वोल्ट फॉर द इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज चेंज टू दिस द स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और मोर देन 2 हो जाता है, मोर देन डबल होता है वो। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एच एफ का फार्मूला होता है किसके इक्वल जी, ये होता है जी आपके पास वी ई प्लस फाई,
एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यहाँ पे उसने किसकी बात की है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए देखें क्या आएगा, एच एफ माइनस फाइव, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलेगा एच एफ माइनस फाइव ओवर ई। अच्छा, इसमें इसको डबल करें ना, तो ये डबल नहीं, ये मोर देन डबल होता है। आप कोई भी वैल्यू सपोज करके देख लें, तो अगर वो 1.5 था तो ये 3 से ज़्यादा होगा, 3 नहीं, 3 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 3, ये जवाब आना चाहिए। ठीक है जी, तो बीटा आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखें जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन, देन सोडियम शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद 3.2 इलेक्ट्रॉन। हमने वेवलेंथ निकालनी है बेटे, वेवलेंथ का फार्मूला होता है 1240 ओवर जो ई है, किसकी, फोटोन की, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आंसर किस में आता है इसका, नैनोमीटर में, ये शॉर्टकट है। हमारे पास कितनी एनर्जी का फोटोन है, 1240 डिवाइड बाय कितना है जी, 2.3 है। ये पॉइंट ख़त्म करें अगर तो ऊपर जीरो लगा दें हम, ठीक है, तो ये सीधा सीधा 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 पे जाएगा तो ये तकरीबन 500 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 500 के करीब आंसर आएगा नैनोमीटर में। तो नीरेस्ट आंसर 5 नैनोमीटर समथिंग, तो ये आंसर बनेगा येलो लाइट। यानी आप वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, फोटोन एनर्जी गिवन हो डायरेक्ट नैनोमीटर में, तो आप ये फार्मूला लगा दें। ठीक है जी, तो आपके पास ये आंसर आएगा जी 40। नेक्स्ट, द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल सर्फेस इज 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस, अगेन वही फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाई 4.125। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको ख़त्म करेंगे तो एक जीरो आप ऊपर ऐड कर देंगे, नीचे ये आ गया, ऊपर ये आ गया। अब इसको आप इस पर क्या करें, डिवाइड कर दें, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कोई, चलें इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं 1240 डिवाइड बाय 4.125, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 ले लूं तो ये कितना बन जाएगा, 310 नैनोमीटर। तो इसको अगर उसमें करें हम, किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो यही बनेगा ना। कैसे, ये कैसे बन गया, 310^-9 है, तो मैं इसको 3100×10^-10 कर देता हूँ। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। तो ये तकरीबन ये नीरेस्ट आंसर आएगा जवाब आपका, ये वाला अप्रॉक्सीमेट हमने आंसर उसका निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट देखें जी, इस तरीके से भी करेंगे तो वो ज़रा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी लेकिन आसान है। मैंने कहा था कि आप 4.125 है तो आप 125 को इग्नोर करके नीरेस्ट डिजिट तक उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर पोटाशियम ऑफ वर्क फंक्शन इज 2, फिर वही वेवलेंथ का फार्मूला, 1240 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा जी 6 और ये 20, तो 620 ये वाला आंसर बन रहा है आपके पास 40। ये फार्मूला आप सुन लें, ये क्या है, अगर आपको फोटोन एनर्जी गिवन है, किस में एनर्जी गिवन है, फोटोन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये डायरेक्ट आंसर दे देगा वेवलेंथ का, किस में, नैनोमीटर में। ओके, अ वेवलेंथ ऑफ दिस नैनोमीटर बाय हाइड्रोजन एटम इज एमिटेड इन अ हाई वोल्टेज चार्ज ट्यूब, द इनिशियल एंड फाइनल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर एन फॉर द एनर्जी लेवल दैट प्रोड्यूस दिस वेवलेंथ आर। जी कौन सा आएगा जी इनमें, देखें जरा नंबर, आप पहले नंबर पे ये देखें ये वेवलेंथ किस रीजन में आ रही है। आपके पास 400 से लेके तकरीबन 700 तक कौन सा रीजन होता है जी, विजिबल का, और कौन सी सीरीज है जो विजिबल निकालती है, बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज का डेस्टिनेशन क्या होता है, 2 होता है, तो देखें 2 वाला डेस्टिनेशन को, ये बाल्मर सीरीज की लाइन निकली है क्योंकि विजिबल रेंज में होगी, तो डेस्टिनेशन में बाल्मर सीरीज का कौन सा है, ये आ रहा है 6 से 2 में, 6 से 4 से 1 में गई तो कौन सी निकलनी है, अल्ट्रावायलेट। 12 से 4 में जाएगी तो कौन सी आएगी, इन्फ्रारेड। 3 में आएगी तो कौन सी आएगी, इन्फ्रारेड। तो यहाँ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, गैस हो जाएगा। फोटोन ऑफ दिस प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टन हाइड्रोजन एटम, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस द ट्रांजिशन आर। अब ये जो फोटोन है ये हम एक तो ये हम सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखें हमारे पास आपको ऑर्बिट्स की एनर्जीज याद रखनी पड़ेंगी। मसलन इसकी होती है -13.6, इसकी होती है -3.4, इसकी होगी -1 समथिंग, ये -0.8 समथिंग,
इस तरह आपने इनकी एनर्जी याद रखनी है। अब ये फोटोन किन दो के गैप के इक्वल आएगा जी? शाबाश, ये फोटोन जो है ये इसके और इसके गैप के इक्वल नहीं आएगा, देखें आप, ठीक है, किसके और किसके गैप के इक्वल आएगा? ये इसके और गालबन इसके गैप के इक्वल आएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ये क्या है आपके पास 2 है और ये क्या है 4, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकाल लें, इसके इक्वल आएगा, सिंपल है। एनर्जीज आपने याद रखनी है ये बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, देखें बड़ा आसान है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, हो ही नहीं सकती, ये डबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ये भी डबल आएगा, ये कितना आएगा 9.28 c, सो ये सारी वैल्यू c से ग्रेटर है, c से कम होती है, बिकॉज किसी चीज़ की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा, ओके, अल्फा। हाइड्रोजन एटम एक्साइट टू द स्टेट विद क्वांटम नंबर n ड्यू टू वेरियस ट्रांजिशन टू लोअर लेवल, अ नंबर ऑफ लाइंस आर ऑब्जर्व्ड। देखें, एक आपने हाइड्रोजन एटम को क्या किया है, एक्साइट कर दिया, सपोज आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ से जब वो वापस आएगा तो कितनी किस्म की वेवलेंथ को मिट करेगा, वो जो नंबर ऑफ वेवलेंथ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, कितनी होती हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 होता है फार्मूला, आई थिंक, तो ये आ गया आपके पास फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट, भाई फार्मूला फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी का होता है -13.6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, -13.6 डिवाइड बाय 16 आ जाएगा, तो ये आंसर 1 से छोटा है ना, और एक ही आंसर 1 से छोटा है वो ये अल्फा, ठीक है, नीचे 16 ऊपर 13.6 तो लेस देन 1 हो गया ना, ठीक है। द एनर्जी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, देन द फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज हैज द वेवलेंथ, लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी अगर उसकी ये एनर्जी है? जी शाबाश, लाइमन सीरीज की फर्स्ट वेवलेंथ की आपने बतानी है। लाइमन सीरीज जो है वो कब निकलती है? जब आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से किधर गिरता है, लोअर ऑर्बिट में, तो देखें इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कितनी है 13.6, और इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है 3.4, दोनों का गैप निकालें तो कितनी एनर्जी डिफरेंस, कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा यहाँ से, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 10.2 एनर्जी का नहीं निकलेगा, 10.2 एनर्जी नहीं निकलेगी ये गैप से अगर हम देखें तो उसने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज एज द वेव लेंथ। अब लैम्डा अगर हम निकालते हैं तो वो आएगी 1240/10.2 आ जाएगी, ठीक है, तो ये इसको अगर कैंसिल करते हैं इसके साथ, तो इसको 10 ले लें अगर, तो ये 1, 2 बच गया, इधर पड़ गया 2, और 4 बच गया, इधर बच गया 1, 124, ठीक है, इंटू 10^-9, तो इसको लिख सकते हैं 1240 × 10^-10, एक ज़ीरो उधर कर लिया, तो ये एंगस्ट्रॉम तकरीबन इतने एंगस्ट्रॉम बनती है, और नियरेस्ट इसके 1240 है, तो 1265 नियरेस्ट आंसर है आपका, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 1265 कह रहा हूँ, 1217 इसके ज़्यादा ऑलमोस्ट अगर वैल्यू एग्जैक्टली देखें, वैसे इतना करीब आंसर होना नहीं चाहिए, ये भी आप डाउट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर बहरहाल ये है 1240, मैंने राउंड किया था 0.2 को अगर मैं राउंड ना करता तो ये थोड़ा सा आंसर क्या होना था, इससे कम आना था, ठीक है, जारी बात है ये 10 से बड़ी वैल्यू, इससे थोड़ा सा कम आना था तो ये 1217 बनेगा, 40 से कम होगा, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, ये गैस हो जाएगा, वैसे कैलकुलेट करने नहीं बैठना आपने। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट हाइड्रोजन एटम इज 10^6 नहीं होती, सारा डिजिट होता है, 10^8 नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये वैल्यू आपने कॉमनली पढ़ी हुई है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर कैलकुलेट करनी है आपने तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का जो फार्मूला है इसका कि 12mv² इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, यहाँ से आप स्पीड निकालेंगे इसकी, स्पीड का फार्मूला बेसिकली ये बनता है 2ke/m√, ये फार्मूला बनता है जी, ठीक है, तो यहाँ गैस हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि ये लार्ज वैल्यूज़ हैं, ये पॉसिबल नहीं है, वही वैल्यू पॉसिबल है। इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलेरेटेड थ्रू अ वेलोसिटी वी स्ट्राइक द टारगेट, देन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरेज, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरेज निकालनी है, लैम्डा निकालनी है आपने,
तो वन ये जो आपके पास फार्मूला होता है जी एच एफ इज इक्वल्स टू वी ई, यहाँ से अगर निकालेंगे तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू वी ई। बेटे यहाँ से अगर हम क्या कैलकुलेट करें, वन ओवर लैम्डा कैलकुलेट करें, तो वो क्या आएगा, वी ई ओवर एच सी, और लैम्डा कैलकुलेट करें तो एच सी ओवर वी ई, ये इसके इक्वल आएगा, इक्वल टू दिस आएगा। ठीक है जी, ये इक्वल टू दिस जी। तो बच्चों कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग मोमेंटम, ये मोमेंटम दिया हुआ है, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है एच एफ ओवर सी। तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, एफ एफ इक्वल आ जाएगा पी सी ओवर एच। वैल्यूज पुट कर दें बेटे, पी की वैल्यू आपके पास कितनी है दी हुई है, 4.42 × 10⁻²⁶ सी होता है 3 × 10⁻⁸, ये होता है 6.63 × 10⁻³⁴। ठीक है, अगर हम इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं तो ये देखें, ये इसके साथ और ये ऊपर सॉल्व होती हैं, तो क्या होगा, यहाँ से आंसर आपके पास निकलेगा -18, और ये ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो -18 और प्लस, तो ये 10⁻⁙ प्लस में बचेगा। ठीक है, बाकी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं इसको तकरीबन 4.5 ले लेता हूँ, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.5 ले लूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा जी ये डिवाइड बाय 6.63, तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पे चला जाएगा, तो जवाब देखें आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, द मोमेंटम ऑफ वेवलेंथ दिस इज, वेवलेंथ दी हुई है, मोमेंटम निकालना है, तो पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा होता है, तो 6.63 ओवर 1.32, ये आएगा 10⁻⁴ और नीचे का 10⁻⁹ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में ये देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 132 है ये, 6 तकरीबन ये 5 पे जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो 5 × 10⁻⁴ ये कितना बच गया, 4 और 5 -20 कितना आ जाएगा जी, ये तकरीबन 5 है, तो -25 न्यूटन सेकंड ये मोमेंटम बन जाएगा। तो यही जवाब है आपके पास, और ये दोनों क्वेश्चन, ये और पिछला क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ओके जी, अल्फा ऑप्शन है, ओके ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप अपने नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें, ओके, अल्लाह हाफिज़।